क्या लग रहा है चाचा, इस बार किसका माहौल है महाराजगंज में? महाराजगंज में महाराजगंज है ना, पर ये महाराजगंज लोकसभा में ना है। हाँ, तो किसका माहौल है यहाँ, आप लोग किसके साथ हैं? मन साथ काती है हमारा लिखे भैया। हाँ, किसके साथ हैं आप लोग, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं इस बार? वोट वोट तो अभी हमारा लिखे भैया नहीं क्या बुझा ना, केकरा का देख बाप सुनल जाए तब सुन के वोट दीजिएगा। हाँ, विकास उकास हुआ है जो यहाँ का अभी एमपी है, कुछ काम उम किए हैं आप लोग के? हाँ, काम भइल बा, एंगे ने तो घर दुआर बा, वही घर दुआर मड़ाई टाटी। क्या लग रहा है इस बार, आकाश प्रसाद सिंह यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रत्याशी हैं? हाँ, कहाँ हुए अभी आप? हाँ, यहाँ छितौली है। काहे के लिए यहाँ पर आए हुए? देखे खातिर। कथी देखे खातिर? आ रहे हैं गाड़ी। गाड़ी देखने आए हैं? कौन गाड़ी, चार चक्का की? हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर, हेलीकॉप्टर देखने आए? हाँ, लेकिन आपके यहाँ के जो सांसद हैं पता है कौन है? यहाँ के सांसद कौन है? पता, लालू बाबू है, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल है। हाँ अच्छा, जनार्दन सिंह सिग्रीवाल। अभी यहाँ से चुनाव लड़ रहे हैं आकाश सिंह। आकाश सिंह, चलिए हेलीकॉप्टर देखने हैं। कुछ युवा साथी लोग हैं, उनसे बात करें। क्या नाम हुआ आपका? इरफान अख्तर। क्या लग रहा है अख्तर जी, इस बार किसका माहौल है महाराजगंज में? महाराजगंज में तो है हाथ छाप। हाथ छाप, आकाश सिंह। हम लोग खानदानी है हाथ छाप। खानदानी है, ये भी हाथ छाप। आपका क्या नाम हुआ? सरफराज हुसैन। सरफराज हुसैन जी, किसका माहौल है महाराजगंज में इस बार? हाथ छाप। अच्छा, का जो यहाँ से अभी वर्तमान में एमपी थे सिग्रीवाल जी, कोई काम नहीं किए हैं? काम नहीं, अभी जाके देखी ना, यहाँ से सही जाने वाला रास्ता। हाँ, कितना दिन से खराब है, अभी तक कोई पूछने वाला नहीं है उधर पे। यहाँ से सही जाने वाला रास्ता है ना, पूरा खराब है। अच्छा, आप लोग युवा हैं, किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? वोट तो है, किस मुद्दे पर है? सबसे अच्छा तो इनका सब चीज सस्ता होने वाला है, कांग्रेस का मैनिफेस्टो का देखे हैं ना, रोजगार देने वाले हैं 8,000 रुपया खटाखट, देखे हैं ना उनका। अच्छा, वो आने वाला है, एक बार महीने महीने में आएगा 8,000 रुपया कांग्रेस। कांग्रेस साल में 1,00,000 रुपया, 8,000 का महीना। हाँ, बात सही नहीं बोल रहे हैं क्या? फिर इसी मुद्दे पे वोट देने वाले हैं। हाँ? इसी मुद्दे पे वोट देंगे। मुद्दे पर आपका क्या नाम हुआ? मेरा प्रमोद कुमार। हाँ भैया, इधर आइए। कहे नहीं कुछ नाम मान लीजिए, सुनिए ना, युवा है, वो मैनिफेस्टो में जो लिखा है उस पर बोल रहा है, इस पर आप क्या कुछ कहेंगे? नहीं, मैं मुझे कुछ नहीं कहना भाई। हाँ, बोल ही दिए ऐसी बात, मैं बोली। हाँ बोलिए ना भैया, बा कह रहे हैं। तो देखिए कि यहाँ पर कई लोग हैं, किस मुद्दे पर आप लोग इस बार वोट कर रहे हैं भैया? देखिए, कहने का मतलब यही है कि अगर किताबी भाषा से देखा जाए तो जो कांग्रेस की है बीजेपी नहीं की है, लेकिन अभी जो बीजेपी कर रही है कांग्रेस की बस की बात नहीं है। अच्छा, यहाँ के जो आपके सांसद हैं, सड़क की स्थिति तो सही में बहुत बहुत मतलब बहुत अच्छा है, सड़क बहुत अच्छा है। हाँ बिल्कुल है, टूटा हुआ है। अरे गांव जवार का रोड टूटा हुआ है। हाँ, तो मुखिया फंड में आता है। हाँ, और बताइए। अच्छा, जो अभी आकाश प्रसाद सिंह यहाँ चुनावी प्रचार प्रसार कर रहे हैं, कांग्रेस वादा कर रही है, क्या लग रहा है उतना? नाउ यू सपोर्ट नाउ टू इमनी। हम सपोर्ट नहीं कर रहे हैं इनका। इनका कांग्रेस पार्टी का। तो रैली में उनके आप आए हुए हैं? अरे हमारा घर है भाई, ये नहीं आ सकते हैं क्या? तो क्या लग रहा है इस बार, जो लोग वादा कर रहा है, दावा कर रहा है कि 40 के 40 सीट बिहार में जीतेंगे, वो तो अब चुनाव होने के बाद ही दिखेगा ना। तो यानी कि इस बार आप लोग फिर से सिग्रीवाल जी को हैट्रिक लगवाइए? हाँ बिल्कुल। तो देखिए यहाँ पर और भी कई, कहाँ आए थे बुआ? बंगावता। यहाँ पर और साथी, इस बार किस मुद्दे पर आप लोग वोट कर रहे हैं? क्या इस बार किस मुद्दे पर वोट कर रहे हैं? कांग्रेस को कर रहे हैं। कांग्रेस को कर रहे हैं? कहे जी बीजेपी से नाराज है। बहुत नाराज है, बहुत नाराज है। मोदी जी तो कह रहे हैं कि देश को मजबूत कर रहे हैं, 5 किलो राशन दे रहे हैं। हाँ तो आप खाइए मोदी जी का राशन, आप उनका गुणगान गाइए, हम लोग नहीं गाने वाले हैं। गुणगान नहीं गाइए? नहीं, आप खाते होंगे फ्री में, मोदी खाएगा चावल, हो आप खाइएगा। अच्छा, मतलब खराब खराब क्वालिटी का चावल मिलता है? तो आपको क्या लगता है, आपको क्या लगता है, खाइएगा वो चावल? तो चावल आपको दिया जाएगा? राशन तो अभी हम लोग नहीं उठाते हैं, जो उठाते होंगे और भी कई लोग हमसे बात कर,
क्या लग रहा है किसका माहौल है इस बार हाँ? किसका माहौल है आप नहीं जानते सर हम इनके रैली में आए हैं हम करायली कुछ नहीं हम जहाज देखने जहाज देखने आए यानी कि लगभग लोग यहाँ जहाजे देखने आया था तो देखिए कि महाराजगंज लोकसभा क्षेत्र में की जो तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं लगातार अपडेट दे रहे हैं बिहार एक्सप्रेस पर बने रहे धन्यवाद।